क्या आपको भी लगता है कि ग्लोइंग एंड ग्लास स्किन पाने के लिए आपको सिर्फ पार्लर जाना पड़ेगा या सिर्फ महंगे प्रोडक्ट ही अप्लाई करने पड़ेंगे? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पे ही DIY का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमका सकते हो। क्रिस्टल कितना शाइन करता है, वैसे ही हमारी स्किन भी शाइन करेगी, बिकॉज इसमें हमने वो मैजिकल इंग्रेडिएंट यूज किए जो कि हमारी स्किन को एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल बेनिफिट देने वाले हैं। हमारी स्किन से जो भी काली परत है, जो भी डेड लेयर है या जो भी कालापन है, वो सब रिमूव हो जाएगा। हमारी स्किन बिल्कुल एकदम ग्लास की तरह शाइन करेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। क्रिस्टल ग्लो का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी स्किन सिर्फ शाइन करेगी, हमारी स्किन में जो भी डैमेज सेल्स हैं या हमारा मिलानिन जो भी डार्क हो चुका है जिसकी वजह से हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है या हमारी स्किन लूज हो चुकी है, तो इन सभी प्रॉब्लम को क्योर करके हमारी स्किन को टाइट करना, पिगमेंट को लाइट करना, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल इवन हो जाएगी और हमारा रियल शेड इनहेंस होगा और हमारे चेहरे पे एक अलग सा निखार आएगा। तो आज की DIY पूरी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप इसे अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में इन्वॉल्व करते हैं तो। ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे वेस्ट होंगे, ना ही आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज जो भी आप फेशियल करवाते हो पार्लर में जाके, तो कहीं ना कहीं आप 1200-1300 रुपए स्पेंड करते हो, या फिर आप मार्केट से कोई भी अच्छा प्रोडक्ट परचेज करते हो जो कि पूरी तरीके से नेचुरल हो, स्किन के लिए सेफ हो और उसके बेनिफिट मिले, तो कहीं ना कहीं वो आपको 700 या 800 में मिलता है। बट ये DIY आपको बहुत अफोर्डेबली पड़ेगी, आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए आज की DIY स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इसे आप अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे, तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टेबल स्पून बादाम ऑयल। बादाम ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन D, विटामिन E होता है, इसके साथ इसमें आयरन एंड प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो जो आपके घर में हो। एंड नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून बीट रूट पाउडर, यानी कि चुकंदर का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप कच्चा चुकंदर लेके उसे अच्छे से पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप चाहो तो मिक्सर में डाल के उसका एक पेस्ट बना लो ग्राइंड करके, या आप चाहो तो उसका जूस यानी कि उसका पल्प या जूस भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 विटामिन E कैप्सूल। विटामिन ई के हमारी स्किन में क्या बेनिफिट है ये आप सभी जानते हैं, मैंने भी इसके बारे में कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन विटामिन ई एज अ गुड प्रिजर्वेशन की तरह भी काम करता है। तो अगर आप इसमें 2 से 3 विटामिन E कैप्सूल ऐड करें तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 विटामिन E कैप्सूल को ऐड कर दिया है एंड अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड आई नो कि इसमें बीट रूट के समथिंग आपको ये गांठ सी नज़र आ रही होंगी, बिकॉज जब भी कोई भी पाउडर मॉइस्चर के टच में आता है तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो इस तरीके से वो गांठ बन जाती है यानी उसकी लम्स बन जाती हैं। तो जब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे, इस तरीके से स्पून से मिलाओगे, तो वो गांठ अपने आप ही टूट जाएंगे और इसका एक स्मूथ सा इक्वली पेस्ट बनेगा। अब इसके साथ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, अगर आप कच्चा बीट रूट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते, फिर आपको उसी दिन प्रिपेयर करना है, उसी दिन अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आप फ्रेश एलोवेरा ले रहे हो तो भी आप इसे स्टोर करके नहीं रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए, मिक्स करने के बाद इस तरीके का हमारा स्मूथ क्रिस्टल पेस्ट बन के यहाँ पर रेडी हुआ है। आपको इसमें शाइन भी नज़र आ रही होगी और ये ऐसा ही बेनिफिट आपकी स्किन पर भी देने वाला है। तो सबसे पहले मैंने अपने DIY फेस वॉश से अपने पूरे चेहरे को क्लीन कर लिया है, बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं कि इसे डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करना है तो बिल्कुल नहीं, आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे स्किन के सरफेस पे डस्ट या पॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फेस वॉश करने से पहले अपनी स्किन को टच करना, आपका सरफेस बिल्कुल रफ फील होगा, और वहीं जब आप अपने फेस को क्लीन कर लेते हो तो हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो इसीलिए पहले मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया, हल्का सा स्क्रब करते हुए, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी DIY। सो हमारी DIY बहुत ही स्मूथ है, तो मैंने इसे ब्रश से अप्लाई करना स्टार्ट किया, बट ब्रश बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये इसके ब्रसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो ये अप्लाई नहीं हो रहा था, बट जैसे तैसे मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड फर्स्ट हमने इसमें यूज़ किया है बादाम ऑयल। बादाम ऑयल हमारी स्किन को लाइटन करता है, बिकॉज ये मिलानिन को लाइट करता है, तो जो भी मिलानिन से रिलेटेड हमारी स्किन पे प्रॉब्लम होती है लाइक पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट या स्किन का डार्क होना, वो सभी अपने आप ही क्योर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमने इसमें यूज़ किया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है।
अब ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्राई स्किन में सबसे ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल नज़र आती हैं, यानी कि स्किन बहुत ज़्यादा एज्ड लगने लगती है, तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने इसमें यूज़ किया था बीट रूट पाउडर। बीट रूट पाउडर हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। आपने सुना होगा कि किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसका रीज़न है कि उनकी स्किन में अच्छा कोलेजन है, कोलेजन की मात्रा भरपूर है। तो इस तरीके से सभी इंग्रेडिएंट बेनिफिशियल हैं। हमने इसे अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई किया था, करीब 10 से 15 मिनट के लिए रखा एंड उसके बाद मैंने अपने पूरे चेहरे को वॉश कर लिया एंड रिजल्ट आपके सामने है। ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा, स्किन बिल्कुल चमकने लगेगी। और मैंने यहाँ कोई आर्टिफिशियल या रिंग लाइट यूज़ नहीं किए, जो बाथरूम में नेचुरल लाइट आती है वही है। तो ये एक महंगे से महंगे प्रोडक्ट से भी अच्छी DIY और बिल्कुल सेफ है। वो प्रोडक्ट आपकी स्किन से सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं, इसके अलावा उनका कोई भी अदर बेनिफिट नहीं होता। हमारी ये DIY आपकी स्किन से जितनी भी समस्याएं हैं उनको तो क्योर ही करेगी, साथ में आपको न्यूट्रिशन भी देगी, यानी कि आपकी स्किन में कोलेजन बूस्ट होगा, जिससे आपकी स्किन इंटरनली हेल्दी होगी। जब हमारी स्किन में कोलेजन सही मात्रा में होता है तो हमारी स्किन अपने आप ही इंटरनली हेल्दी रहती है, स्किन टाइट रहती है, जिससे हमें फाइन लाइन रिंकल की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ में हमारी स्किन में एक शाइन चमक भी रहती है, इससे हमारा नेचुरल ऑयल भी बरकरार रहता है। ये थी हमारी एक अमेजिंग DIY जिसे पर्सनली मैं बहुत इंप्रेस हुई, बिकॉज इसका इंस्टेंट ग्लो एंड जो भी इसका टेक्सचर था, क्रिस्टल फॉर्मूला था, जो भी हमारे चेहरे पे इसका रिजल्ट दिखा, सीरियसली में अमेजिंग था। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना कि आपको ये DIY कैसी लगी, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। थैंक्स टू वॉच वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।